हेलो दोस्तों, तो हमारा बात करते हैं यहाँ सीयूईटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। एंड काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन सवाल लगातार आ रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि भैया मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। हमारी लास्ट डेट तो 15 थी, 15 अक्टूबर। अब क्या अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से और क्या जस्ट लाइक प्रोसेस है? तो यार करेक्शन विंडो स्टार्ट फॉर फीस पेड कैंडिडेट 17 अक्टूबर 2022 एंड करेक्शन विंडो एंड डेट फॉर फीस पेड कैंडिडेट 18 अक्टूबर 2022। जिनको भी कोई इश्यू है तो 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। पेमेंट विंडो स्टार्ट डेट फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट 17 अक्टूबर। पेमेंट विंडो एंड डेट ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट 18 अक्टूबर। क्या बात है गाइस, तो यार ये छोटा सा अपडेट था इसकी वजह से। अब अपन देखते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड तो मैं भूल गया। अब भैया मेरिट लिस्ट कब आ रही है, राइट? यार बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं यार इस नंबर पे कॉल लगा लगा के। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको बिल्कुल भी कॉल ना लगाएं, क्योंकि ये हरामी लोग बिल्कुल कॉल नहीं उठाते हैं। ये ईमेल आईडी दिया गया है, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। फिर भी ये लोग आजकल कच्चा बादाम बनाने लगते हैं, गवर्नमेंट वाले भी वो भी नहीं देखते। ठीक है, बहुत बार हम ट्राई करते हैं, हमें पता रहता है कि नहीं उठाएंगे, तो कॉल करना ही बेकार इन पे। तो नोटिस के बारे में देखते हैं भैया, क्या अपडेट है? शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए भैया। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परेशान है कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सीयूईटी सच कहूँ तो यार मेरे को वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब इतना बुरा एग्जाम लगता है ना कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसे लूटने का गेम है एक तरीका का, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उस दिन जो नोटिस आया था, और कुछ भी अलग नहीं दिया है लोगों ने। तो 18 तारीख तक की तो अपडेट है, 19 तारीख को क्या होने वाला है? और यूनिवर्सिटी वालों, इतना आपने फॉर्म लेट स्टार्ट किया, अब ये भी बता दीजिए कि भाई मेरिट लिस्ट कब आएगा। अब अगर मेरिट लिस्ट आने वाला है उसके बाद ये भी बता दीजिए कि हमारा फाइनल लिस्ट, एडमिशन सेलेक्टर लिस्ट कब जारी करेंगे आप लोग, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को थोड़ी खुशी तो हो कि भैया कब आपका लिस्ट आ रहा है, कब एडमिशन हो जाएगा। वरना इनके भरोसे तो अब मैं क्या ही बताऊँ यार। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे एंड मेरिट लिस्ट कहाँ पे आएगा हमारा, ये देखो 15 तारीख को नोटिस आया रिगार्डिंग द करेक्शन विंडो। एंड तो यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यही अपडेट है कि कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, यही अपडेट है कि कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि देख सकते हो इसको एमआरआई मशीन बोलते हैं एंड जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, काफी अच्छी बात है। ओके, सो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही ये लोग डालते हैं अपडेट मैं आपको जरूर से बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, अब मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ यूनिवर्सिटी वालों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स परेशान होकर मेरे को कॉल करते हैं। अब मैं इनको कॉल करता हूँ तो मैं भी यार काफ़ी परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे अगर परेशान हो तो मैं तो जरूर से परेशान होऊंगा ही, राइट? सो समझ ही सकते हो मेरे छोटे भाई बहन परेशान रहते हैं इतने, और हम भी परेशान हो जाते हैं। वैसे अगर सच बोले तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना कपड़ा है, मतलब जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार मतलब क्या ही कर रहे हैं एक एडमिशन के लिए। और एडमिशन के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, और आप यहाँ से कोर्स करने के बाद भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि आपको कोई जॉब का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं NIT से, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, कोई जॉब सिलेक्शन नहीं है। 10,000 15,000 के लिए रो रहे हैं भैया, सैलरी नहीं मिल रही भैया, सिलेक्शन नहीं है भैया, संतुष्टि नहीं है भैया, सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं?